मामून चल के आया, मैं चल के आया हूँ आपके पास, मेरी बेटी से आके फरमाए, मैं चल के आया हूँ आपकी बारगाह में, मेरी बेटी से आके फरमाए। लगता तो अजीब है लेकिन मैं चल के आया। फरमाए नहीं, कोई अजीब नहीं है, पहले भी बड़े बड़े लोग चल के समझ आए ना, मुझे फोन करके दाते हैं जुमला जब समझ आ गया मुझे फोन कर दो। कोई नई बात नहीं, पहले भी बड़े बड़े लोग चल के आते हैं। मेरे इमाम के नाम का सिक्का निकाला गया, ये इज्जत मेरे आठवें बादशाह को मिली। जैसे शायद अब भी हो वो पाकिस्तान में, जैसे एक सिक्का होता है 5 रुपए का कि 10 रुपए का, किसी जमाने में होता था, अब मुझे नहीं पता। उसमें हुकूमत पाकिस्तान, मैं मोड़ दूंगा तो हम जरूरत नहीं ना है, है। अच्छा ये तो वहीं का है, बिस्मिल्लाह। कैसे ये सिक्का है, चले मौला आप पे और करम फरमाए। ये सिक्का बनवाया जिसकी तहरीर थी अर रिजा मिन आले मोहम्मद। ये मेरे प्रोग्राम में नहीं था, ये वसीम साहब ने मुझे इमाम दामिन मांगा, तो मेरा दिल कर गया चलो इसने बांध ही दिया तो फिर मैं इस पर गुफ्तगू कर लूँ। अर रिजा मिन आले मोहम्मद। सिक्का निकाला गया बाजार में, बाजार में सिक्का आया तो कैफियत अजीब हो गई। जो गाहक जिस दुकानदार के पास ये सिक्का ले गया, उस दुकानदार ने उसे सिक्का लिया, चूमा, आंखों से लगाया, जेब में रखा, दोनों हाथ बांध के कहा मेरी इतनी औकात तो नहीं, मैं सिक्के के बदल तुझे कुछ दे सकूं। मैं सिक्के के बदले तुम्हें कुछ दे सकूं, सिक्का मैं रख लेता हूं, दुकान हाजिर है, जो चाहिए ले जा। आरिफ मैं शौकत रजा हूं, मैं 38 बरस नौकरी कर चुका इस कौम की, मेडिकल साइंस कहती है 10 साल में एक नस्ल जवान होती है, 4 नस्लें शौकत रजा को सुन चुकी है। गोविंदा सुबह मैशर भी मेरा मुजरिम होगा, इसे मेरा ये लफ्ज समझ आ गया, उसकी माँ शिया हुई और उसकी जुबान न बोली, मैं मैशर में भी उससे गिला करूंगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दुकानदार ने वो सिक्का लिया और घर जाके घर वालों को दिया और कहा जहां कुरान पाक पढ़ाए ना, सलाम है बाबा अली की बादशाही है, अली की शान है, क्या बात है, अली है, अली तुझे ईमान है, अली हक के, अली हक के, अली की दिल में मोहब्बत रखने वालों हाथ बुलंद करके दिल के बोलो रख दो। जब तक ये सिक्का घर में रहेगा खैर जाएगा नहीं, शर आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ज़र्फ मियां ये बंद, ये जुमला हर बंदे के ज़र्फ के लायक था भी नहीं, करोड़ सलाम उसे जो इस जुमले पे बोला है। मामून का एक मुशीर था फजल बिन रबी, उसने मामून से कहा ये क्या किया तूने, तूने इमाम के नाम का सिक्का निकाला और मशवरे नहीं किया। उसे को तो फिर क्या हो गया, उसे का क्या नहीं हुआ, तू बाजार चल के तो देख, तूने सिक्का निकाला था बाजार के लिए, वो दिलों में राय हो गया। तूने सिक्का निकाला था बाजार के लिए, वो दिलों में राय हो गया, चल बाजार में उसके सिक्के का सिक्का चल रहा है। क्या हुआ, क्या
हो क्यों नहीं बोले? मैं बूढ़ा हो गई यार, अब जरूर हाथ पे हाथ मारू दाद के लिए। इतने बड़े बड़े लफ्ज पढ़ रहा हूँ मैं, ये थोड़े उसके सिक्के का सिक्का चल रहा है। मामून ने कहा फिर क्या करे? फजल ने कहा कोई तरकीब सोचो, लोग किसी तरह सिक्के वापस करें। मामून ने कहा एक ही तरकीब है, मसलन 1 रुपए की कीमत का सिक्का है, बाजार में ऐलान करवा देते हैं, जो 1 रुपए की कीमत का सिक्का वापस करेगा उसे 5 सिक्कों के बस कोई ना कोई चीज दी जाएगी। बंदे दर के लालच में आ जाएंगे, सिक्के वापस हो जाएंगे, सिक्के वापस हो जाएंगे। वसीम ये जुमला जाने, मैदान महशर जाने, इसकी कीमत जाने, बादशाह रजा जाने, तेरा पूरा पिंडाल 10 बार उठे 10 बार बैठे तब भी मेरे जुमले की कीमत भी पूरी होती। उनने कहा नहीं ये तो मुमकिन नहीं है, लोग दर के लालच में नहीं आएंगे, जहाँ लोगों का नाम गुजर हो वहाँ। सॉरी मैं अपने मौजू पे जा रही बात समझ में आई भला मैं क्या कह रहा था, किसी को याद हो? जिनके नौकरों का नाम अबूदर हो। अच्छा, जहाँ नौकरों का नाम अबूदर हो वहाँ दर का लालच क्या होता है? मामून ने कहा एक ही तरकीब रह गई है, जाओ बाजार में ऐलान करा दो, जिसके मकान से सामान से दुकान से ये सिक्का बरामद हो गया उसे सिकोड़े मारे जाएंगे। शहर में ऐलान हो गया, मालिक खुरासान में थे, मुमीन खुरासान पहुंच गए, मौला ये ऐलान हो गया जिसके मकान से सामान से दुकान से सिक्का बरामद हो गया उसे सिकोड़े मारे जाएंगे। पर मैं चांदी का एक तश्त लाओ, तश्त लाया गया, पर मैं सिक्के इसमें जमा कर दो, सिक्के जमा हो गए, पर मैं कपड़ा लाओ, कपड़ा लाया गया, पर मैं छोटा छोटा काटो, काटा गया, अपने हाथों से एक एक सिक्का उठाया, कपड़े में रख के उसकी गिरा लगाई, ऐसी लगी हुई है। छोटी छोटी गिरा लगाई, फिर बगैर किसी से उसका नाम पूछे हुए बुलाना शुरू किया, फुला इब्ने फुला सिक्का ले जाओ, फुला इब्ने फुला सिक्का ले जाओ, फुला इब्ने फुला सिक्का ले जाओ, फुला इब्ने फुला सिक्का ले जाओ। सिक्के तकसीम हो गए, नौकर खड़े हो गए, मौला का करे क्या? पर मैं बाजू से बांध लो, मौला उसने कहा जिसके मकान से सामान से दुकान से सिक्का बरामद हो गया उसे कोड़े मार देंगे, हमारी जिंदगी खतरे में है, सामने सामने बाजू है, आप कह रहे हैं बाजू से बांध लो, पर मैं तो कह रहा हूँ बांध लो, रिजाए आले मोहम्मद का जाम जामिल है। कलीम का ये मुजस्सम कलाम जामिन है, हमारे नाम का सिक्का सजाओ बाजू में फिर आज से ये तुम्हारा।